हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। और इवनिंग का टाइम हो रहा है, देखिए सूर्यदेव अस्त होने लग रहे हैं। टाइम क्या हो रहा है, 6:30 बजने वाले हैं 5 मिनट में। और आज ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं आपसे कर रही हूँ शाम के टाइम से, और बहुत तेज लगी है प्यास। पहले तो लड्डू गोपाल को देती हूँ पानी कैंपर से, ये बैठे मेरे मोहन जी की। शाम के टाइम में ना उनको यहाँ पे बैठा देती हूँ बाहर, क्योंकि पूरा दिन अंदर ही बैठे रहते हैं। तो शाम का टाइम ऐसा टाइम होता है जब इनको बाहर बैठा देती हूँ। और अब मैं सुबह से मैं ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि ना सुबह का टाइम जब ब्लॉगिंग करने लगते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है ब्लॉगिंग करने में, फिर स्कूल की भी जल्दबाजी रहती है जाने की। तो आज मैंने की नहीं ब्लॉगिंग सुबह के टाइम से, मैं 2-3 दिन से कर नहीं रही हूँ। और अभी अपनी वीडियो एडिट करने लग रही थी मैं, एडिटिंग हो चुकी है और अभी अपलोडिंग भी लगाई मैंने। अभी कुछ थोड़ा सा काम रह गया एडिटिंग का, बाकी तो मैंने कर लिया, बस थोड़ा सा काम रह गया एडिटिंग में। लीजिए लड्डू, ठंडे ठंडे पानी पी लीजिए। मैं ना चूरमा के लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि पता राधिका आज स्कूल से आती है, मुझे कह लेंगी मम्मी चूरमा का लड्डू खाने, बहुत बुरी तरीके से मेरे छिपट गई चूरमा का लड्डू खाने हैं। पूजा मंदिर का दरवाजा खोल दिया है मैंने, लाइट भी कर देती हूँ। अभी टाइम तो नहीं हुआ पूजा का, क्योंकि सूर्यदेव भी 7 बजे के करीब तक अस्त होते हैं। और तो मैं चूरमा का लड्डू बनाऊंगी, चूल्हे पे बनाऊंगी रोटियाँ, उसके लड्डू बनाऊंगी। चूल्हे पे रोटी बनती है ना, ज़्यादा अच्छे लगते हैं उसके लड्डू। और राधिका स्कूल से आते कह लेंगी मैं चूरमा का लड्डू, तब तो मैंने बनाए नहीं, क्योंकि मैंने दोपहर में रोटियाँ नहीं बनाई थी, आज चावल बनाई थी मैंने, क्योंकि आज मैं सुबह दाल बना के गई थी तो दोपहर को आके मैंने चावल बना लिए थे। तो अगर रोटियाँ बनाती तो मैं चूरमा का लड्डू बना भी लेती उसके लिए, फिर मैंने चावल बनाए थे ना, फिर मैंने उसे कहा था कि बेटी शाम को बना दूंगी, तो अब बनाऊंगी मैं चूरमा के लड्डू। आटा गूंथती हूँ, पहले पीती हूँ पानी, फिर लड्डू गोपाल को तो दे दिया है। घेर में गए हुए हैं तीनों बच्चे दादी के साथ, मम्मी दूध निकालने गई हुई है। मुझे कहती मम्मी जब मैं घेर में सोऊंगी तो मुझे लड्डू तैयार मिलने चाहिए, तो मुझे वीडियो एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम लग गया, वरना मैं अब तक आटा गूंथ लेती। चूल्हे में आग जलाती हूँ और उसके बाद तब आटा गूंदूंगी। जब तक मैं आटा गूंदूंगी ना, तब तक घी गरम हो जाएगा। घी गरम करने के लिए रख रही हूँ मैं, थोड़े से ना इसमें अंगारे भी हो जाएंगे, अंगारे में ज़्यादा अच्छी रोटियाँ सिकती हैं। दी है आग, तो यहाँ पे रख दिया मैंने घी गरम होने के लिए। आटा भी गूंद लिया है और अब बनाते हैं रोटियां। तो ये घी भी हो गया है गरम, बन गया है, मतलब माखन से घी बना दिया है। और इसको अब उतार देती हूँ, कढ़ाई को उतार देती हूँ, उसको चूल्हे पर रख देती हूँ तवा। और देखिए रोटी रोटी सेकने के लिए अंगारे भी हो गए हैं। लगा देती हूँ ये, तो यहाँ पे ले आई हूँ मैं रोटी बनाने का सारा सामान। तो यहाँ पे बनाने लगी हूँ मैं रोटी, और चूरमा चूरमा के लड्डू बनाने के लिए जो रोटियाँ बनती है ना, थोड़ी मोटी मोटी रोटियाँ बनती हैं। तो ये रोटी सीखती है, मैं दूसरी तैयार कर लेती हूँ। ये रोटी हमारी बन गई है, क्रिस्पी रोटी बनी, क्योंकि चूरमा के लड्डू के लिए क्रिस्पी रोटी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो मैंने यहाँ पे रोटी के बना लिए हैं छोटे छोटे टुकड़े, और बहुत गर्म हो रही है, हाथ भी जल गए। और इसमें छानूंगी शक्कर, और ये रही हमारी शक्कर जिसको छान के करूंगी, क्योंकि हल्की हल्की डलियां हैं इसमें। गरम गरम में शक्कर डाल दूंगी ना, तो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, बहुत अच्छे लड्डू बनेंगे। और जो ये लड्डू है ज्यादा मीठे ज्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब तेज मीठा हो तभी अच्छे लगते हैं चूरमा के लड्डू।
यहाँ किचन के अंदर तो बहुत लग रही है गर्मी, और बाहर बैठकर ही बनाऊंगी यहाँ पे। और देखिए ये घी डालूंगी ताजा ताजा इसमें जब बनाऊंगी। मैं घी डाल देती हूँ, हमारे चूरमा के लड्डू बिल्कुल हमने वापस इसको मसल मसल कर आटे की तरह ही बना लेना है। ऐसे कर दिया मैंने, उसके लड्डू बना देती हूँ। राधिका कहती हूँ जब मैं घेर साऊंगी मुझे लड्डू बने मिलने चाहिए, तो अब बना दिए मैंने आके खा लेगी। मुँह हाथ धो के आई हूँ, अब करेंगे शाम की पूजा। और देखिए बच्चे की तरह बुरी तरीके से अपना ऐसे छोड़ के चले गए बैग वैग, और मेरे भी पड़े हैं। स्कूल की पिक्चर है आपकी, ये गंदी है। नहीं सुंदर पिक्चर है, इसको क्यों खोल दिया? सुंदर पिक्चर है आपकी स्कूल की, पहले स्कूल आपका ही तो स्कूल है ये। आप इसी स्कूल में तो जाते हो, इसी स्कूल में तो जाते हो आप? मैं जाता जाते हो आप, सुंदर वाला है ये। अच्छे से हाथ मुंह धो के और चल सब पढ़ो, चलो 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 चलो। दीप प्रज्वलित हो रहा है वीर। तो देखिए यहाँ पे मैं बनाने लग रही हूँ चटनी रात के खाने में, और टमाटर हरी मिर्च अदरक पुदीना और कुछ पत्ते धनिया के भी लिए हैं मैंने। इसमें जीरा और नमक डाल के मिक्सी में पीस लूँगी। तो देखिए हमारी चटनी बनकर हो गई है तैयार, और ये मेरे टमाटर की हरी मिर्च की और पुदीने की चटनी बहुत अच्छी लगती है। और मैंने ना थोड़ी दरदरी पीसी, जैसे सिल पे सिल बट्टे में पीसते हैं ना थोड़ी दरदरी वाली चटनी, वो वाली बिल्कुल महीन नहीं की मैंने। महीन करने से ना मज़ा अच्छा वाला टेस्ट नहीं आता, थोड़ी दरदरी पीसते हैं तो बिल्कुल सिल बट्टे वाला टेस्ट आता है। आज रात के खाने में चटनी दूध और रोटी है साथ में, और रोटी मैं चूल्हे पर बनाऊंगी क्योंकि आग जल रही है। चटनी के साथ चूल्हे की रोटी बहुत टेस्टी लगती है, तो मैंने आटा ले लिया है। आई हूँ चकला बेलन परात और आटा। देखिए अभी दूध गर्म करा, दूध वहाँ पर ठंडा होने लग रहा है, दूध गर्म हो चुका है और तवा रख दिया है। अभी रोटी बनाई थी ना मैंने इस पर चूरमा के लड्डू बनाने के लिए। ये घी भी लेके आ गई हूँ, यहाँ पे रख देती हूँ सारा सामान, फिर अंदर नहीं जाना पड़ेगा बार बार उठकर। ले बेटा हो गई साइन, किस पे अगले पेज पे भी थी, दो जगह होने हैं क्या? हाँ होने हैं। ये कल के जो कल आज के थे, ये आज क्या है? कल पीटीएम है। पीटीएम है? हाँ पेपर से तो जाना नहीं होगा बेटा। यहाँ पे देखिए मैंने पहले लड्डू गोपाल की थाली कर दी है तैयार, जल दूध चूरमा का लड्डू जो बनाया था चटनी, अब बनाती हूँ मैं रोटी। थाली मैंने पहले तैयार करके रख दी ताकि बस एक मुझको रोटी बनाते भोग लगा दूंगी। चूल्हे की करारी करारी क्रिस्पी रोटी चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए मैं लड्डू गोपाल की खाने की थाली हो गई है रेडी तैयार, तो लाडले चटनी के साथ रोटी खाओ। तो ले बेटा खा ले। तो खाना खा लिया है और मैं फाइनल दिन चूरमा का लड्डू जो कि बहुत ही टेस्टी बना है, और मुझे करने हैं बर्तन साफ देखे। और हस्बैंड जी भी आने लग रहे हैं, आज थोड़ा जल्दी आ रहे हैं वरना तो 10-11 बजे तक आते हैं, आज जल्दी आ रहे हैं। और टाइम क्या हो गया है, 9 बजने में है अभी 10 मिनट, और मेरा काम आज 10 मिनट पहले हो गया, वरना 9 बजे तक तो मैं खाना बनाती हूँ, तब 9:30 बजे तक बर्तन साफ होते हैं, फिर दूध मीठा करना सबको देना, 10 बज जाते हैं मुझे। तो किचन का काम हो गया है मेरा सारा, 9:15 बज गए हैं देखिए, और मुंह खुला ये चोंच खोल के सो गया चिड़िया।
इमीर तो सो गया, क्योंकि 6 बजे उठ जाते हैं बच्चे, 6 बजे से दोपहर को बिल्कुल नहीं सोते, और अब 9 बजने से पहले सो गया था ये तो। इसको मैंने कह दिया था खाना खाते ही सो जा, बस सोते हुए को दूध पिला दूंगी, क्योंकि पी लेता है सोते सोते भी दूध के। तो मैं लड्डू गोपाल को सुलाती हूँ और पूजा मंदिर में सोने से पहले दर्शन कराती हूँ उनको मैं।